हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एगलेस अंडा भुर्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे मैं बिना अंडे की बनाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और ईजी और न्यू रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें एगलेस अंडा भुर्जी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से बनेगी। बिना अंडे की अंडा भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1/4 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच हरी धनिया बारीक कटी, 2 हरी मिर्च बारीक कटी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने हल्का क्रश करके लिया। आप इसे बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए 2 प्याज बारीक कटे, 1 टमाटर बारीक कटा, तेल, बेकिंग पाउडर। मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। अब हमें सबसे पहले बेसन का बैटर बनाना है। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, तो इसमें हम बेसन डाल लेंगे, साथ में मैदा डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसका हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने बैटर तैयार कर लिया। हमें इतना पतला बैटर चाहिए और इसमें कोई भी लम्स नहीं बनने चाहिए। तो हमारा बैटर तैयार है, तो अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं और बनाते हैं इसकी एग भुर्जी। एग भुर्जी बनाने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन गर्म कर लिया है, तो इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने पे हम इसमें हरी मिर्च और अदरक डाल के इसे 30 से 40 सेकंड हल्का सा कुक करेंगे। फिर हम इसमें बारीक कटे प्याज डाल लेंगे और इसे भी मिक्स करके 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब प्याज को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। हमने घोल में भी नमक डाला था, तो नमक हिसाब से डालें। साथ में हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हरी धनिया, और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, और इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे बारीक कटे, और इसे भी मिक्स करके 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। टमाटर को 1 मिनट कुक करने के बाद हम सारे मिक्सचर को पैन पे फैला देंगे और फिर इसमें जो हमने बैटर तैयार किया था वो डालेंगे और बैटर को पैन में डालने के बाद इसे अच्छे से पूरे पैन में फैला देंगे। 2 मिनट इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद ऊपर से हल्की सी हरी धनिया डालेंगे और एक स्पैचुला की मदद से इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे और हम बैटर को पलट लेंगे ताकि जो अनकुक साइड है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। इसी तरह से हम इसे मिक्स करके 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। स्पैचुला की मदद से इसे बीच बीच में क्रम्बल भी कर लें और 3 से 4 मिनट इसी तरह से हम इसे कुक करेंगे। तीन से चार मिनट इसे अच्छे से कुक करने के बाद अब हमारी एग भुर्जी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग भुर्जी की तरह लग रही है। तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है और एक सर्विंग प्लेट में इसे निकाल लूँगे। अब मैंने भुर्जी को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया, तो इसे हरी धनिया से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए, झटपट बनके हमारी बिना अंडे की एग भुर्जी तैयार है। देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।